फ्रेंड्स, सुमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मसालेदार आलू, चटपटे आलू। तो देख लीजिए, हमने 7-8 आलू ये उबाल लिए हैं और इसके हमने ये पीस कर लिए हैं। ये देखिए। और इसके लिए हमने मसाले लिए हैं। तो 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, ये हमने जीरा लिया है, भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया है, थोड़ी सी हमने हल्दी ली है, और ये हमने थोड़ा सा जीरा लिया है 1/2 चम्मच, और 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 प्याज ली है हमने, इसे काट ली है देखिए बारीक, और ये हमने 2 टमाटर की प्यूरी बना ली है, और 2 हमने हरी मिर्च ली है। ये देखिए, ये हमारी तेज़ नहीं है ज़्यादा मिर्ची। तो आइए दोस्तों बनाते हैं। ये हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें हमने तेल डाल के रख दिया है गर्म होने के लिए। इसे हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे, और देखिए ये थोड़ी सी हींग डालेंगे इसमें, और इसको थोड़ा होने देंगे। तो देखिए ये हमारा जीरा और हींग हो गई है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। तो अब देखिए हम इस प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्याज हो चुका है, और अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो देखिए हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और अब ये सारे मसाले ये हम इसमें डाल देंगे। तो हमारा मसाला बिल्कुल भून चुका है, अब इसमें हम ये टमाटर का पेस्ट डालेंगे और ये हरी मिर्ची डाल देंगे। ये भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे, डाल के थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह से मसाले को हम भून लेंगे। फिर हम आपको मसाला भून गया है और इसमें तेल छोड़ दिया है, अब इसमें हम आलू डाल देंगे। ये देखिए जो हमने उबाले थे आलू, ये हम डाल देंगे। आलू डाल के इसमें मसाले में 2 मिनट के लिए से हमने चला दिया था इसी में, और ये हमारा तैयार हो गया है मसाले, आलू तैयार हो गए हैं। तो इसमें हम हरा धनिया, ये हमारे मसालेदार चटपटे आलू बन के तैयार हो गए हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और जैसे देखने में ये यम्मी लग रहे हैं, उतना खाने में ही टेस्टी हैं। तो दोस्तों ऐसे बनाइए आलू, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और एक नई रेसिपी के साथ फिर हम हाज़िर होते हैं। थैंक यू दोस्तों, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।